નમસ્કાર મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ સાત વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર છ ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ જે જીવની મિત્રો સાહિત્ય પ્રકારનો પાઠ છે તેનું સંપૂર્ણ ગાલસ સ્વાદ્ય સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર કરીશું એ પહેલા મિત્રો જો આની પીડીએફ મેળવવા માંગો છો ને તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ઉપર ક્લિક કરીને ત્યાંથી મેળવી શકો છો पहलो प्रश्नों सा गुजरात कॉलेज कहाँ है तो जवाब डी आमदाबाद विक्रम सारा भाई ने बी एच सी की परीक्षा कहाँ पास की तो ए में नंबर डॉक्टर विक्रम सारा भाई की पत्नी का नाम क्या था तो बी मृणालिनी नंबर चार केम्ब्रिज कहाँ है तो डी इंग्लैंड में प्रश्न नंबर दो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए नंबर एक डॉक्टर विक्रम सारा भाई का परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का परिवार था नंबर दो डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का हल निकाला नंबर तीन भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की नंबर चार विक्रम सारा भाई को साहसिक कारनामे प्रिय थे नंबर पांच थुम्बा त्रिवेद्रम में हृदय की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम सारा भाई की मृत्यु हुई नंबर तीन सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए नंबर एक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी इसका उद्देश्य जवाब आएगा कौ देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्या को हल निकालना था नंबर दो कॉस्मिक किरणें रहस्यमय होती है क्योंकि वे अंतरिक्ष की गहराइयों से आती है नंबर तीन डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने अहमदाबाद में विज्ञान केंद्र नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की वे जन सामान्य की के प्रति रुचि जागृत करना चाहते थे डॉक्टर विक्रम सारा ने में गए क्योंकि वहां उन्हें थुम्बा के लॉन्चिंग स्टेशन की निरीक्षण करना था प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए नंबर एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बालक विक्रम के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी ये बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा नंबर दो विक्रम सारा भाई का जन्म कब और कहां हुआ था विक्रम सारा भाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था नंबर तीन विक्रम सारा भाई के माता पिता के नाम क्या थे विक्रम साराभाई की माता का नाम सरला देवी और पिता का नाम अंबालाल था विक्रम साराभाई को किन विषय में दिलचस्पी थी विक्रम साराभाई को घने तथा भूमिति के विषय में गहरी दिलचस्पी थी नंबर पांच विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिक का सानिध्य मिला विक्रम साराभाई को भारत में सर शिवी रामानाथन तथा डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिक का सानिध्य मिला नंबर छः कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई का क्या सुझाव था तो कॉस्मिक किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों बहुत उपयुक्त और अनुकूल होगी नंबर सात डॉक्टर विक्रम साराभाई किन विषयों पर कार्य करते रहे तो डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति अंतरिक्ष विकिरण सूर्य ग्रह तारा तथा भूगोल आदि विषय पर कार्य करते रहे। <coughs> डॉक्टर भाई उच्च कोटि के वैज्ञानिक होने पर भी अन्य किन क्षेत्रों में रुचि रखते थे तो डॉक्टर विक्रम सारा भाई विज्ञान के अतिरिक्त कला शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखते थे <coughs> नंबर नौ डॉक्टर विक्रम सारा की मृत्यु कब और कहाँ हुई तो डॉक्टर विक्रम सारा की मृत्यु 21 दिसंबर सन उन्नीस को त्रिवेंद्रम के निकट थुम्बा नामक स्थान पर हुई थी प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए डॉक्टर विक्रम सारा ने अहमदाबाद में किन किन संस्थानों की स्थापना की तो डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने सन उन्नीस में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की अहमदाबाद में उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी डॉक्टर विक्रम सारा भाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई नंबर दो डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद डॉक्टर विक्रम सारा को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई? डॉक्टर भाभा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान का उत्तरदायित्व डॉक्टर विक्रम सारा को, को सौंपा गया उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र को गठन किया उन्होंने इस केंद्र की गतिविधियां आगे बढ़ाई आज हमारे देश में दूरसंचार दूरदर्शन और मौसम विज्ञान में संबंधित अनेक उपग्रह डॉक्टर विक्रम सारा के सफल प्रयत्नों के परिणाम है इस दृष्टि से उन्होंने देश की बड़ी सेवा की <coughs> नंबर चार डॉक्टर विक्रम सारा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ सन उन्नीस में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर भारत सरकार ने उन्नीस में पद्म और उन्नीस में मरणोत्तर पद्म अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया गया नंबर चार डॉक्टर विक्रम सारा ने अपने जीवन में कौन कौन से पद सुशोभित किए तो डॉक्टर विक्रम सारा भाई सौ इकसठ में के बने। केंद्र के पहले अध्यक्ष विक्रम सारा भाई ही थे सन उन्नीस में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए 1970 में वे वियना शांति अंतरराष्ट्रीय चौदहवी परिषद के, के प्रमुख बनाए गए सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र परिषद के उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष बनाए गए नंबर पांच डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम क्यों चिठियां लिखी होगी तो डॉक्टर विक्रम सारा के पिता के नाम पर रोज बहुत सारे पत्र आते थे उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम में भी अनेक पत्र आए पर उन्हें पता था कि उन्हें एक नाम पत्र आने वाला नहीं तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और लिफाफे डाक घर में डाल आए इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियां आने लगी कोष्टक में दिए गए शब्दों का उचित क्रम में में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे ये बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया शब्दों का वचन बदल बदलिए लड़का तो लड़के किताब तो किताबे नदी तो नदियां लिफाफ तो लिफाफे नारी तो नारिया माली तो माली रेखांकित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताइए पेड़ के नीचे कोई खड़ा है अनिश्चित वाचक पता नहीं ये संदूक किसकी है तो संदूक संदुक वाचक ये शिवाजी की किला है निश्चित वाचक વ શ્યામ કા મિત્ર હૈ તો નિશ્ચિત વાચક લડકા કુચ ખાના ચાહતા હતા તો અનિરશ્ચિત વાચક વાક્ય આવે ત્યાર પછીના મિત્રો પાઠવનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સોલ્યુશન મેળવી શકો છો જો તમને અમારો વિડીયો ગમે છે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં